नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हरीश रावत जी, जो कि कार्य उनके पर प्रभार जो है काफ़ी सारे दायित्व इनके पर हैं। AICC के महासचिव हैं, उत्तराखंड कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होना और आगे की तैयारियों में, दोनों में आजकल आप जूझ रहे होंगे। नहीं, जो वर्तमान होता है कभी कभी भूतपूर्व भी होता है। राजनीति के अंदर ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन यह है कि एक राजनीतिक कार्यों में आपको जो नई चुनौतियां होती हैं उनके अनुसार ढालना पड़ता है। इतना ही अंतर है कि आप कैसे ढालते हैं उस पर निर्भर करता है। आप पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई, 2017 में भी थी, 2014 में भी थी, 2017 में हार का सामना करना पड़ा और आप 2022 में दोबारा जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमेटी के। आप कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन भी हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी, पर पुराना अनुभव भी रहा होगा कि कहाँ कमियाँ रह गई। मैं पार्टी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको प्रदेश के लिए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। देखिए, संयोग को जैसा बैठा जी, कि 2002 से लेकर के अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मेरी भूमिका प्रमुख रही है और आज भी जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं निभाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये जिम्मेदारी ऐसी है जो सबके साथ चलने से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि कंपेन में सारी चीज़ें इनकम पास करती हैं, रिजल्ट उसी पर निर्भर करता है। तो ये एक बड़ा दायित्व तो है जिसके लिए मुझे सबके सहयोग की आवश्यकता होगी आपको। बिल्कुल, मगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी आजकल खूब देखी जा रही है। प्रदेश, एक छोटा सा प्रदेश जिसमें 5 आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं इस टाइम, तो कैसे आप क्या है ये? ये एक फॉर्मूला हमने पंजाब में डेवलप किया था जी, जो वहाँ बहुत अच्छा चला। अच्छा। उसके बाद इसी को हमने असम में ले गए, उसी के आधार पर अध्यक्ष और 4 हमने वो बनाए जी, वर्किंग प्रेजिडेंट। उसी मॉडल पर हमने उत्तराखंड में भी काम किया जी, अब बल्कि और जगह भी इस मॉडल को अपनाने की बात हो रही है जी। देखते हैं यहाँ किस प्रकार से हम समन्वय रख पाते हैं, किस तरीके से मिलजुल करके चल पाते हैं। देखिए, कार्यों का विभाजन होना और विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करे तो उससे चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद बहुत सारे काम करने को होते हैं, उनके जनसंपर्क के काम को, दूसरी चीज़ों को यदि वर्किंग प्रेसिडेंट देख लें तो उससे पार्टी की निरंतरता बनी रहेगी और पार्टी सक्रिय है इसका आभास जाएगा। गणेश गोदियाल जी को जिम्मेदारी मिली, जो आपने बड़े अच्छे से उनके बारे में बोला भी था कि शुरुआत जो है गणेश से हुई है, ये आपने बहुत ही अच्छा विचार रखा था, तो आपको लगता है इससे मजबूती मिलेगी पार्टी को? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम अनाउंस किया है कि भाई मैं सप्त लोगों तक पहुँचूँगा, गणेश आपके द्वार नाम ही दिया है उन्होंने प्रोग्राम का, तो ये एक बड़ा काम है और एक चक्कर हुआए हैं, वो दूसरा चक्कर फिर जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो एज प्रदेश अध्यक्ष सभी एरिया से सब लोगों तक पहुंचेंगे। जनता का विश्वास आजकल टूटा है बीजेपी द्वारा या कैसे भी, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें आपने कहा मैं चाहता हूं कि 5 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। और देखो, अस्थिरता बहुत नुकसान करती है। यदि हमको अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया गया होता तो राज्य का विकास 2 इंच और ऊपर होता। भले ही बदलाव करते लोग, ठीक है, वो लोगों का हक है, आपने बेहतर के लिए सब सोचते हैं जी। कल कैसे सिद्ध होंगे, आज भाजपा कैसी सिद्ध हो रही है, ये इसका मूल्यांकन करने का अब समय आ रहा है। लेकिन उस समय बेहतर सरकार देने के लिए लोगों ने भाजपा को चुना, उसमें मुझे कोई खोट नहीं दिखाई देता। लेकिन भाजपा ने मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए जो प्रयास किया, जिस तरीके से 3 महीने तो मेरा बजट ही कहाँ गया, विधानसभा द्वारा पारित बजट गवर्नर के पास है, गवर्नर कहें राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति कहें वो
जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजा गया है, मैं यही नहीं समझ पाया कि मेरा बजट गया क्या। अनंतोगतो मुझे फिर विधानसभा बुला करके अपना नया बजट पेश करना पड़ा और उसको पारित करवाना पड़ा। तो जो 3 महीने का विलंब हुआ वो राज्य के लिए नुकसानदायक हुआ। और एक डेढ़ दो महीने राष्ट्रपति शासन और दूसरे दौर में गुजर गए, तो कुल मिला करके 6 महीने राज्य के बेकार कर दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत है जी। हाँ, गुण दोष के आधार पर लोग निर्णय करते हैं। अब इस समय आ गया है, हमने अपोजिशन के रूप में काम किया, हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें अवसर दीजिए, और भाजपा कह रही है नहीं, हमको आशीर्वाद दीजिए। हम ये कह रहे हैं इनको, वो 60+ की बात करते हैं। हाँ, हमने कहा भाई ये आशीर्वाद किस बात के लिए मांग रहे हैं, इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी, कोरोना के दूसरे संक्रमण में शमशान घाटों में लोगों की क्यों लगे जो है, हमारे कई भाई बहन हमने कारण खो दिए, इलाज ठीक से नहीं हो पाया, उनका बेड नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, मतलब कुव्यवस्था रही। कुंभ में टेस्टिंग का के नाम पर इतना बड़ा घोटाला कर दिया। तो ये चीजें हैं, आपकी पार्टी से 1/3 लोग वहां पर कांग्रेसी है, वहां पर एक तरह से 1/3 है इस टाइम। जो जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी के नियमों के अनुसार काम करते हैं। ये जो गए हैं इनके अब कांग्रेसी संस्कार खत्म हो गए, इनका भाजपाई संस्कार हो गए, इन्होंने ये तो इनका भाजपा ही जन्म है। तो अब उनको वो भाजपा के गलत कामों में सम्मिलित हैं, अब उनको एक्जोनरेट नहीं किया जा सकता। भाजपा ने जो कम राज्य के साथ छल किया है, जिस तरीके से विकास रोका है, डबल इंजन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, 3-3 मुख्यमंत्री बदले हैं, राजनीतिक अस्थिरता दी है, तो उसका दंड तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा, उसके सभी विधायकों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कुछ विधायक जो है भागना चाह रहे हैं, ताकि भाजपा छोड़ करके भाई कहीं आपके संपर्क में है वो। ये सब चीजें राजनीति के अंदर बड़ी नीचे तक पचानी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं, समय आने पर देखा जाता है। लेकिन ये है कि आज भाजपा के अंदर बेचैनी है। जनता ने दोनों पार्टियों पर भरोसा किया, एक 5 साल कांग्रेस पे करती है, 5 साल बीजेपी, अब एक तीसरा विकल्प जो आपके सामने आ रहा है आज की डेट में, आम आदमी पार्टी। देखिए, यदि केजरीवाल जी खुद आते जी और कहते भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं छोड़ के आ गया हूँ तुम्हारे, अब वो एक पर्यटक के तौर पर आ रहे हैं, यहाँ आकर के एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए शगुफा छोड़ रहे हैं, तो इससे तो कोई राजनीतिक दल अपना बोनाफाइडी कैसे सिद्ध करेगा। पर कर्नल कोठियाल को उन्होंने आगे रखा है, नहीं उससे क्या उनकी उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्नल कोठियाल तो जो है जो केजरीवाल जी हैं उनके पॉकेट ब्रो हैं, ये तो वन मैन पार्टी है, श्री केजरीवाल पार्टी है, ये हमारी तरीके से एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक व्यवस्थित संस्था नहीं है। और देखो, इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों को प्रेफरेंस दी है, चाहे कांग्रेस को दी चाहे भाजपा को दी। पर ये भूल दिल्ली में हुई है, जहाँ पर दिल्ली में भी ये आइडिया था सबका। दिल्ली एक म्यूनिसिपल मेंटेलिटी है, वहाँ उन्होंने जो कांग्रेस को कभी वोट देते थे उनको कहा कि हम तुमको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी। तो ये बात वो यहाँ भी कह रहे हैं, पानी तो नहीं दे पाए फ्री, वो उसमें तो वहाँ वाटर ऑइड भी हो रहे हैं, पानी की तो बड़ी समस्या है, लेकिन बिजली में ज़रूर जो है, जो वहाँ के झुग्गी झोपड़ी में लोग थे जिनका मीटर 50 यूनिट आता था, उनको लाभ मिला, वो इनके वोट बन गए। उसके वजह लोगों ने कहा यार हमको तो जब बिजली का पहले 300 यूनिट फ्री बिजली की बात हो यहाँ पर भी कह गए। अब मैं यही तो डबल स्पीक है ना उनकी, दिल्ली में 7.5 साल से सरकार में और वहाँ तो दे रहे हैं आप 200 यूनिट फ्री, और 200 यूनिट के बाद यदि ज़रा सा बढ़ जा रहा है तो पूरे का पूरा बिजली का बिल वसूल करते हैं और सबसे महंगी बिजली देते हैं। हम सबसे सस्ती बिजली देते हैं और सबसे अच्छी बिजली देते हैं उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ आप कहते हैं हम 300 देंगे, जबकि दिल्ली का बजट हमसे 4 गुना बड़ा है।
चौगुना बढ़ा है। तो आप जब दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हो तो उत्तराखंड में 300 यूनिट कैसे दे दोगे भैया? बाजार सिद्ध करो ना, पहले दिल्ली में कर दो। अब यहाँ आकर लोग तो वादों में फंस जाते हैं। नहीं, यहाँ आकर के कहते हैं हम अध्यात्म और हिंदुत्व की राजधानी बना देंगे इसको। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली बना दी जी। पहले दिल्ली में करो ना, जहाँ हो जी। वहाँ करके दिखाओ जी। और फिर देखिए यहाँ कई तरीके की चुनौतियाँ हैं। दिल्ली के अंदर तो एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उनको, इसलिए वो सरकार चला ले गए, क्योंकि उन्होंने कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई आईटीआई नहीं बनाई, कोई पॉलिटेक्निक नहीं खोला, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली आप, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई अंडरपास नहीं बनाया। ये सब शीला दीक्षित के समय में जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल काम चला है। उस बात से, हाँ जी। तो यहाँ क्या उत्तराखंड बिना डिग्री कॉलेज के मान जाएगा, पॉलिटेक्निक के मान जाएगा, आईटीआई के मान जाएगा? आज उन्होंने कल एक और बम छोटा सा फोड़ दिया, अध्यात्म की राजधानी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हम तो देवभूमि है, अध्यात्म तो उसका एक छोटा स्वरूप है। तो आप हमको इस बड़े स्वरूप से इस छोटे स्वरूप में क्यों ले जा रहे हैं? पहले देवभूमि का अध्ययन कर लीजिए और उसकी महत्ता का अध्ययन कर लीजिए। हम सनातन परंपरा के ध्वजवाहक देवभूमि हैं, तो हमको तुम अध्यात्म के, कल कोई कह देगा मैं योग राजधानी बना दूंगा यहाँ, कोई तीसरा आएगा वो कहेगा मैं हिंदुत्व की राजधानी बना दूंगा। तो ऐसे राजधानी बनाने से काम थोड़ी चलता है। हमारी बड़ी पहचान को आप छोटा क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा। आप आने वाले टाइम पे कांग्रेस अपना कोई सीएम डिक्लेयर करेगा यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद हम जो है कांग्रेस अध्यक्ष कहती हैं भाई ये व्यक्ति है हमारी तरफ से 5 साल चलाएगा, ये हमारा टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है जी। तो हम यहाँ भी उसी का पालन करेंगे। पंजाब में आपने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, अभी अस्थिरता वाली स्थिति आ गई थी वहाँ पर, आपने किस तरह से आप कंट्रोल करते हो पंजाब? एक अलग उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग, उत्तराखंड बिल्कुल अलग, दोनों में बैलेंस करना बड़ा मुश्किल नहीं होता? ये तो नहीं कहता कि कंट्रोल, देखो वहाँ के नेताओं के मन में खुद ये भावना आई कि हमको मिलके चलना चाहिए और राहुल जी का मार्गदर्शन रहा, इसलिए ये सब संभव हो पाया। पंजाब मतलब पंजाब बिल्कुल डिफरेंट हुआ है। हाँ, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो वहाँ के लोकल लीडरशिप का है और योगदान है तो जी। राहुल जी का है। इस बारी आप यंग जनरेशन को कुछ आगे लाने वाले हो अपनी पार्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग यंग आपसे जुड़े हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यंग लोग जो है जहाँ जहाँ अपने को प्रूव करेंगे कि हम जीत सकते हैं वहाँ हम यंग एक्सर को। बीजेपी कहती है हम 60+ लाएंगे, हम तो कह रहे हैं 70+ ले आओ जी। कांग्रेस का क्या दावा? 75+ ले आओ जी जी। हम तो विनती कर रहे हैं, हमारा कोई दावा नहीं है। हम कह रहे हैं भगवान यदि हम पर विश्वास कर रहे हो तो 50 दे देना, नहीं तो ये कुछ कम रह जाएंगे तो ये खरीद फरोख फिर उत्तराखंड में। प्रभु भरोसे हैं या जनता भरोसे हैं? प्रभु भरोसे हैं जनता भरोसे हैं? प्रभु मतलब लोकतंत्र में जो है जनता ही तो संप्रभु है, जनता को ही मैंने प्रभु कहा, तो हम तो प्रभु जनता जनार्दन के उसमें है शब्दों में कह रहे हैं 50 दे दो जी। हाँ, हम भाजपा की तरीके से अहंकारी पार्टी नहीं है जी। ये सब 60+ हम ये सब विश्वास नहीं रखते हम। अब जितने अब सरकार में अभी कई मंत्रालय बार बार 3 बार बदले हैं, इनसे किस तरह से जनता को इनसे पूछना चाहिए कि भैया अब हमारे विकास की बात भी कर लो? ताजपोशी की बातें आपने बहुत कर ली, कब करेंगे? अब तो गया समय विकास की, 6 महीने भी ये इनका। अब तो जो है 6.5-4 साल का हिसाब देने की बारी है जी। अब आप विज्ञापनों के जरिए यदि उत्तराखंड को भव्य बना दे रहे हैं तो विज्ञापनों से तो भव्य बनता नहीं जी। काम करने का तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 24,000 नौकरियां देंगे, तो 24,000 तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हमारा 2400 दे दो, उन्होंने 240 दे दो, 2400 कुछ ज़्यादा हो गए हैं जब, तो तुम इतने दे दो और बता दो कहाँ कहाँ दोगे हाँ? तो कोई रोड मैप? अच्छा, उन्होंने एक दिन पहले घोषणा करने आए कि मैं ऐसी घोषणाएं करने वाला था, तो उनकी नाराजगी थी या वो सही में काम करने आए थे या क्या था? तीरथ सिंह रावत जी की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन पहले उन्होंने आके प्रेस में बोल दिया कि इतनी 2400 या 2400 में नौकरियों के लिए मैंने घोषणा करनी थी जो कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा या करूंगा या क्या नहीं, मतलब उनके कुछ शब्दों में समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे थे। एक ने 7 लाख नौकरियां दी थी पहले ने जी।
वो 7 लाख तो अलग रहा, 700 का हिसाब नहीं दे गए। ये 24,000 में आए तीरथ सिंह, तो ये 24,000 का हिसाब देने से पहले ही जो है गच्छ गच्छ हो गए 24। और अब ये हैं, ये तो भी चला चली की बेला में आए हैं, अब इनसे इनसे हिसाब भी मांगो, ये जब तक हिसाब लगाएंगे ये तब तक तो चुनाव आ जाएगा। तो आप तो वो चुनावी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ठीक है, सज धज करके अपना काम कर रहे हैं और जरा विज्ञापनों के जरिए राजी का पैसा आप अखबार और मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कांग्रेस ने भी की है जी। तो देखो, हमने तो 1.5-2 साल पहले जी वही मैंने हल्द्वानी में पार्टी वर्कर्स और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने सिस्टम इतना मजबूत बनाया है बिजली का, जो वितरण का सिस्टम है, कि हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि हम पहले साल 100 यूनिट और 2 साल के अंदर 200 यूनिट तक फ्री दे सकते हैं। 200 यूनिट के बाद जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि सिस्टम में उतना उतना वो सहन करने की क्षमता नहीं है यदि हम ज़्यादा कहेंगे, इसलिए मैंने कहा 200 यूनिट तक हम दे सकते हैं। एक मेरा अहम सवाल और इस पर मैं आज भी स्टिक करता हूँ कि हम ऐसा करेंगे। फ्री जो वर्ड है वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वर्ड है कि फ्री पहले तो काम आएगा। हम तो इनके इनके पाप धोने में भी तो हमको समय लगेगा ना, जो इन्होंने राज्य को बर्बाद किया। बिजली सारे तीनों निगम घाटे में है, मैं लाभ में दे करके गया, इन्होंने सब घाटे में डाल दिए, कहाँ से आएगा। हम सिस्टम को सुधारेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो रिसोर्स जनरेशन पर जोर देंगे, रिसोर्सेज पैदा करेंगे, राज्य के राजस्व को बढ़ाएंगे और उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको करेंगे। देखिए, 3 चीज़ें प्रमुख हैं जी। एक तो रोजगार, इसमें महिला स्वरोजगारिता भी सम्मिलित है जी। दूसरा है आपका स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा। या शिक्षा को पहले रख लीजिए, स्वास्थ्य को बाद में रख लीजिए, और इनके ऊपर है इकोनॉमी जी। ये पलायन के तीनों मेन कारण है। हाँ, अब जब तक आप इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे, हम इकोनॉमी को भी सुधारेंगे रिसोर्स जनरेशन के, हम रोजगार देंगे ताकि राज्य के अंदर शांति एक सुव्यवस्था बनी रहे, और हम जो है स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और शिक्षा अच्छी मिले, गुणवत्ता आए, उसको फोकस करेंगे जी। पर पलायन के ऊपर जब बात होती है तो शिक्षा स्वास्थ्य ये सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, सिर्फ पार्टियां बात करती रह जाती हैं इन पे। देखिए, जो पलायन का है, पलायन को समझने की ज़रूरत है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है। जवानी और पानी को कोई रोक पाया जी। नहीं, उत्तराखंड के तो काम भी नहीं आया। नहीं, उत्तराखंड छोड़ दीजिए, देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं। दक्षिण के राज्यों ने अध्ययन करते हैं उनके लोग दूसरे देशों में जाकर के, दूसरे राज्यों में, कि यहाँ किस तरीके की नौकरियाँ निकल रही हैं और उसके अनुसार लोगों को अपने वहाँ तैयार करते हैं मैन पावर, ताकि वो जा करके वहाँ नौकरी कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा गल्फ से लेकर के, यूरोप से लेकर के अमेरिका तक जो है, या तो पंजाब वाले हैं या दक्षिण वाले हैं। तो हमको उत्तराखंड के अंदर हम जवानी को भी रिफाइन करेंगे और पानी को भी रिफाइन करेंगे, और इन दोनों का उपयोग जो है अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करेंगे, राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे। और पलायन के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमने भू कानून वाली बात कही है, कॉम्प्रिहेंसिव भू कानून लाएंगे और भूमि का बंदोबस्त आदि सब उसके साथ जुड़ा रहेगा, चकबंदी आदि का, तो उसके जरिए हम अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको इस स्तर पर लाएंगे, लोकल उत्पादों आदि के माध्यम से, ताकि वहीं रोजगार मिल सके। आपको यदि घर पर बेहतर रोजगार मिल रहा है तो आप कभी बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, जब मैं आया तो मैंने सबसे गरीबी के भाव बिकने वाले मडुए को फोकस किया, मैंने मडुए के 5 रुपये के दाम वाले मडुए को 50 रुपये तक पहुंचाया, एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया, मडुआ, झुंगरा, गहत आदि चीज़ों को जो है आज उनका मार्केट बन चुका है। अब हम मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए और उसमें कुछ और विविधता ला करके आगे बढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य है कि इन्होंने पिछले 4.5 साल में फोकस नहीं किया। आज मडुए के मार्केट में नेपाल घुसने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल घुसने की कोशिश कर रहा है। तो हमको
अपनी लोकल उत्पादकता को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। पलायन एक नारे से दूर होने वाला होता तो भाजपा से बेहतर नारा कौन लगा देता है, ये तो आते ही जो है पलायन रोक देते, देवत्व वाले पार्टी हैं, हिंदुत्व वाले पार्टी। जी, जी, जी। अभी को बताइए, गैरसैंण जो है राजधानी है हमारी, ये तो अस्थिर राजधानी है, गैरसैंण तो एक्चुअल में राजधानी है, आप आओगे तो क्या गैरसैंण से शुरुआत करोगे या देहरादून से ही शुरुआत करोगे? नहीं, हमको तो देहरादून से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी अभी वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, हमने विधानसभा बनाई उसके आगे कहाँ बनाया। 57 करोड़ रुपया जो है मैं सचिवालय के लिए छोड़ करके गया था, इन्होंने एजेंसी भी तय करके गया था, एक ईंट तक नहीं लगाई, कैसे कैसे काम शुरू होगा? तो कैसे प्लान करोगे जब यहाँ के लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते? सुनिए, तो उसे जादुई तरीका नहीं है। आप हमको समय दिया होता, हमने कहा था कि हम 2018 तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे, न 2020 तक, और हम 2021 तक जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जब तैयार होगा, 22 में मौका मिलेगा तो 23 तक चालू हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, बिना दक्षिण में राजधानी, कंसेप्ट अच्छा था कि भाई यदि जो आक्रमण करने के लिए आएगा, हमारी सेना तो उसका मुकाबला वहाँ कर सकेगी, लेकिन वह हमारे तक नहीं पहुँच सकेगा। तो उसने बुरहानपुर छाँटी अपनी राजधानी के रूप में मध्य क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए वहाँ तैयारी नहीं की, और इसीलिए आधे रास्ते में मर गए। जो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ देखा तो कुछ न कुछ, कहाँ से चलाएं, बादशाह कहाँ से चलेगी, तो बादशाह को फिर दिल्ली आना पड़ा। तो ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ढांचा बनाऊँगा। प्रथम प्राथमिकता हमारी सचिवालय बनाने पर होगी, फिर चतुर्थ श्रेणी फोर्थ श्रेणी के आवासीय भवन बनाने में, फिर उसके बाद हम प्राइवेट पूंजी को ला करके वहाँ जो है जो टाउनशिप है उस टाउनशिप को विकसित करेंगे। उसी के लिए मैंने वहाँ की जमीन को नोटिफाइड किया था ताकि हम वो टाउनशिप बना सकें। दिस इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, इसमें यदि हमको 5 साल का वक्त मिलता है तो हम इसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जी, शायद उसी कारण देहरादून बच भी पाएगा, अन्यथा देहरादून की सुंदरता जो है वो खत्म होती जाएगी। सने सने शिफ्ट भी करेंगे, सने सने शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन मैं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनूंगा, मैं हरीश रावत ही रहूंगा और एक योजनाबद्ध तरीके से राजधानी को शिफ्ट करूंगा। जी, मेरा लास्ट और आखिरी और अहम सवाल शराबबंदी के ऊपर। आज उत्तराखंड के अंदर शराब जो है, नशा जो है, बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेट हो रहा है। शादी ब्याह में सबसे पहले आज की डेट में अगर बात होती है तो शराब की होती है। देखिए, दो चीज़ें हैं जी। एक चीज़ है वैध नशा, एक अवैध नशा जी। हमारा राज्य अवैध नशे की चंगुल में फंस गया है जी। और यहाँ नकली शराब बिकने का हब बन गया है 40%, और ये बिना राज्य सरकार की कनाइवेंस के नहीं हो सकता है। जिस दिन से भाजपा आई है, दूर दराज तक के गाँव में नकली शराब पहुंच रही है और यहाँ ड्रग्स का हब बन चुका है। देहरादून तो बड़ी बुरी स्थिति में है, उधम सिंह नगर बुरी स्थिति में है, अब पहाड़ों तक में जो है ड्रग्स पहुंच रही है। तो ये स्थिति चिंताजनक है। हम ड्रग्स के खिलाफ एक तरफ को करेंगे, शराब को हम सने सने कम करेंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं होने देंगे कि जिससे जो है हरियाणा की तरीके से मजाक के पात्र हो जाए कि आप 3 साल बाद कहें साजूर हमसे गलती होगी, तो हम वो भी नहीं करेंगे, हम सने सने वो करेंगे। पर बड़े आंदोलन इसमें हुए हैं, महिलाओं ने बहुत आंदोलन करे हैं। जरूरी है, जहाँ जहाँ महिला शक्तियाँ आगे आएंगे, कहेंगे नहीं है शराब हटाओ, अपने कंट्रोल में लेंगे वो, तो हम वहाँ से हटाएंगे। शादियों को लेकर तो काफ़ी बार हुआ है, आंदोलन हुआ है कि शादियों में शराब नहीं होनी चाहिए, फिर भी 1500-2000 रुपये में लाइसेंस मिल जाता है शादी में, कॉकटेल पार्टी जिसको बोली जाती है। देखिए, आप इसको कंट्रोल करना जी। इसको ये व्यक्तिगत आचरण को कैसे आप बदलें? आखिर शादी ब्याह में आप अपने ही लोगों को तो बुलाते हैं जी। और अब आप जब उनको घटनाएं भी हो जाती हैं, चरणामृत की जगह पर शराब परोसते हैं जी। तो आप और आपके मित्र लोग तय करिए। हम तो कह रहे हैं कि इस तरीके का सेशन हम बंद कर देंगे, यदि लोग कहें तो पिटीशन करें तो हम तो बंद कर देंगे इसको। बिल्कुल, तो मतलब शराबबंदी के पक्ष में है। मैं तो हमारा मानना यह है कि सने सने राज्य को शराब के बजाय दूसरे रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, उनको डेवलप करेंगे, लेकिन कोई चीज़
बिजली के बटन की तरीके से ऑन ऑफ नहीं होती है, ये चीज़ें जो है जो सिस्टम में आ जाती हैं उनको करने में समय लगता है, इसलिए हम सने सने ग्रामीण क्षेत्रों से शराब की दुकानों को कम करते जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सभी सवालों के हमारे बड़े बेबाकी से जवाब दिए हैं और आगे भी हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्द सरकार बनाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।